हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो? एकदम मजे में ना। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में सुरक्षित हों। आज मैं आप सभी के साथ फिर से कुछ रिक्वेस्टेड रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं ये शेयर करूंगी कि नारियल का गोला किसी भी पूजा, तीज त्योहार या बहुत सारी रेसिपीज में हम लोगों को चाहिए होता है, और इसे पूरा नारियल एक साथ कैसे निकालें बहुत आसान तरीके से, क्योंकि कई बार वो चिपका रहता है इस खोल में तो निकालने में दिक्कत होती है। तो इसकी एक बहुत इजी ट्रिक होती है, वो मैं शेयर करूंगी। और इसके साथ ही मैं बनाऊंगी इस नारियल से एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो कि महाराष्ट्रियन स्पेशल होता है, और मुझे 2-3 व्यूअर्स ने उसी रेसिपी के लिए बोला था, तो आज मैं वो भी शेयर करूंगी और फिर आगे क्या क्या करूंगी, आइए देखते हैं हमारा आज का ब्लॉग। ये पानी वाला नारियल है, जिसे गीला नारियल या ओला नारियल भी कहते हैं, और इसकी जो छाल होती है वो कवर, उसको ऐसे खींच के निकाला जाता है, जिस तरीके से मैं अभी थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको, नाइफ से ऐसे बीच में से फंसा के फिर उस छाल को खींच लिया जाता है। पूरे में लगी हुई थी छाल, मैंने बालकनी में ही पूरा निकाल लिया क्योंकि बहुत कचरा होता है इसका, और थोड़ा सा मैं करके दिखाया है। तो ये देखिए पूरा साफ कर लिया है, और ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ना बहुत मोटी छाल चिपकी रहती है। अब आप देखेंगे कि नारियल में 3 ब्लैक डॉट्स दिखेंगे जिसको आँख कहते हैं। ये देखो ऐसे गोल गोल दिख रहा है ना काला काला, इसको ऐसे ठोंका तो होल बन जाता है और फिर इससे पानी निकल जाता है। तो चूंकि ये गीला वाला नारियल है पानी वाला, तो इसका पानी छन्नी से छान के निकाल के दूसरी कटोरी में रखा हुआ है। अब इस नारियल को हम गैस में रखते हैं, गैस में गर्म करना होता है और चारों तरफ से पूरे गोले में आँच दिखानी है। बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगे। जितना भी मैं ये शूटिंग दिखा रही हूँ, समझो मैंने तो पूरा ही किया है, जब तक वो क्रैक आ नहीं गया है। तो बस इस तरीके से घुमाते जा रहे हैं, चिमटे से पकड़ लें क्योंकि गर्म लगेगा, या तो ये छाल पकड़ के भी घुमा सकते हैं। और आँच जैसे जैसे लगती जाएगी ना, तो आप देखेंगे कि क्रैक हो जाती है, जो हार्ड वाला कवर है बाहर वाला, वो क्रैक हो जाएगा गर्म करने की वजह से। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वही करना है। और इसी तरीके से ये बहुत ही ईजिली निकल जाता है पूरा का पूरा नारियल। तो घुमाते ये देखो हल्का सा क्रैक दिख रहा है ना ये साइड वाला, बिल्कुल ऐसे एक ऐसे फक्त से हुई आवाज़, और फिर जब मैंने नोटिस किया तो ये क्रैक हो चुका था, और इसी की मैं राह देख रही थी। और जैसे ही ये क्रैक हुआ तो समझो कि अब हमारा प्रोसेस ऑलमोस्ट होने को है। बस फिर अच्छे से आँच दिखाने के बाद मैंने गैस बंद किया, और इससे मैंने पुराने टॉवल में ले लिया है क्योंकि पूरा काला काला लगा ना राख जैसे, क्योंकि जो छाल है वो जब जलती है तो राख जैसा हो गया है। और अब इसे ठोंकना है, मतलब बाहर वाला कवर। तो मैं तो खुद चाहूँ तो धड़ाम से फोड़ डालूँ, पर मैंने सोचा कि दिखाना भी है तो वो पूरा एक एक करके निकले पूरा टुकड़ा। तो ये देखो ऐसे करते ही एक ऊपर से एक कवर निकली, भाप दिख रही है ना, और फिर ये वाला हिस्सा भी निकालते हैं। हल्के हाथ तो ठोंकना है, धीरे धीरे ठोकते जाएं, और फिर ये जो पेचकस से ऐसे डाल करके उसको जैसे तैसे ऐसे खींचा, तो टुकड़े टुकड़े करके 2-3 छोटे छोटे टुकड़े निकले, और लास्ट में एक बड़ा टुकड़ा निकला और ये पूरा नारियल बाहर आ गया। क्योंकि गीला नारियल एक तो छिलका निकालना बड़ा टास्क होता है, फिर उसको आप फुड़वा लो किसी से भी, चलो ठोकर मार भी दी गई, पर वो जो अंदर से निकालना वो बड़ी दिक्कत होती है कि इस खाल से पूरा अच्छे से क्लीन होके बाहर आ जाए। नवरात्रियाँ आने वाली हैं, ये टिप आप सभी के बहुत काम आएगी, क्योंकि हर घर में नारियल, मतलब हर देवी देवताओं को नारियल चढ़ाते हैं श्रीफल, तो ये प्रसाद में भी बांटना है तो पूरा अच्छे से निकल जाएगा, फिर सबको आप दे सकते हैं। तो ये मैंने देखो इसको टुकड़ा किया है, अब इसे पानी से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है, ताकि जो अगर कालापन लगा भी है तो क्लीन हो जाए। अब छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में डाले हैं, थोड़े टुकड़े बचा लिए थे बड़े बड़े एक दो, बाकी का मैंने पीसा है। तो ये देखो इस तरीके से एक कटोरी पूरा ये नारियल का कद्दूकस या किस कह लो, ये मतलब हमने तो मिक्सी में किया है, इसको किस कह लेंगे। और ये हैं पतले पोहे, पतले पोहे दूध वाले पोहे भी आते हैं महाराष्ट्र में, उनकी क्वालिटी एकदम सुपर होती है, लेकिन ये नहीं है वो वाले, आते हैं यहाँ पर इस पोहे के बनाने के लिए दूध वाले पोहे। और ये करीब 4 कटोरी पोहे थे जिसमें हमने ये एक कटोरी भर के डाला है नारियल वाला, और ये
प्याज डाली है बारीक कटी हुई एक कटोरी, और ये 2 चम्मच जितना नींबू का जूस है, लेमन जूस, और 1 बड़ी चम्मच जितनी चीनी डाली है। इसमें हम लोग को एकदम पतले वाले पोहे लेने होते हैं, नायलॉन पोहे या फिर दूध पोहे, और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, और ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे, क्योंकि जो बारीक कटा धनिया है और बारीक कटा हुआ प्याज है, कांदा और लेमन जूस है और नारियल है, इसमें मॉइस्चर होगा, यानी पानी ढककर रखने से नरम हो जाएंगे। इस पोहे में पानी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, उस मॉइस्चर में ही एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एकदम पतला पोहा होता है, और इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है। तो तब तक वही सुबह के जो ज़रूरी काम होते हैं, सुबह और या फिर शाम, मतलब दिन में एक बार ही इन जो जो पौधे रखे हैं सीढ़ी में, सिर्फ एक ही बार पानी डालते हैं हम, या तो सुबह सुबह, अब जैसे कभी कभी सुबह डालना भूल गए हैं तो फिर दोपहर में धूप जब निकलती है उस वक्त नहीं डालते हैं, फिर हम उस दिन शाम को डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं आती है, ज़्यादा पानी डालने से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं, कि बड़े रोज़ पानी भर रहे हैं ना गमलों में तो वो ख़राब हो जाते हैं, उनको धूप और हवा भी ज़रूरी है। अब सुबह वाले काम तो सबसे पहला होता है साफ़ सफाई वाला काम, और क्योंकि जब हस्बैंड ड्यूटी के लिए जा चुके होते हैं तब ये सारे काम दिखाई देते हैं घर में। तो ये प्याज आई थी कल, तो उसे धुल करके साफ़ करके पहले तो एक दिन पूरा बाहर रखी गई बालकनी में, पूरी ड्राई हो गई है। और ये जो हमारी रैक है, आलू प्याज और लहसुन रखती हूँ मैं इसमें, और कॉर्नर पे रखी रहती है वो जो टिन है ना, जिसमें मैं ऑयल रखती हूँ, ऑयल वाला टिन। और कल मैंने ऑयल टिन स्टार्ट किया है, ठीक है, सब लोग याद रखना, बनाना चिप्स वाले दिन टिन शुरू हुआ, देखें कितने महीने चलता है ये टिन। हमारे यहाँ सब लोग पूछते हैं ना तेल कितना यूज़ करते हैं, तो मैं इस तरीके से ना इस बास्केट में मैंने एक पुरानी हमारी शीट थी टेबल में लगाने वाली, तो उसके मैंने टुकड़े करके ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है वो वही लगा रखा है। लहसुन को मैं हमेशा ठोकर दे करके उसको ऐसे फोड़ लेती हूँ छिलके से हटा करके, तो ये बहुत ही इजी टिप होती है, जिससे जब आपको लहसुन चाहिए आप फटाफट से छील लेते हैं। तो 2 कटोरे रहते हैं मेरे लहसुन वाले, एक में तो ये बड़ी गांठें रखी रहती हैं लहसुन वाली, लेकिन जैसे चार चार छः छः, पूरा नहीं वरना सूख जाएगा, चार चार छः छः जो मतलब लहसुन की जो गांठें हैं उनको ऐसे ठोकर दे के फोड़ी जाती हैं, फिर दाने अलग होके ट्रे में रखी रहती हैं, वो सूखते रहते हैं, हवा लगती है, मतलब वो जल्दी फिर छिलका उतरता है, और जो ऊपर की कवर है वो फिर कचरे में शामिल कर लेते हैं। प्याज को साफ करके तो जैसे छिलका उसका ऊपर वाला, इसीलिए मैं हटा रही हूँ, क्योंकि अगर ज़रा भी उसमें जैसे पानी वानी का या कुछ भी रह गया वो असर, वो पूरा निकल जाए, वरना वो प्याज सड़ने लगती है अंदर से गांठ। और छिलका हमेशा एक खोल जो होती है प्याज की, ऐसे निकाल करके रख करके हवा लगे उसमें, इसलिए ऐसे रखी जाती है। हमारे यहाँ तो बास्केट में ही काम चल जाता है, बाकी जितनी भी फैमिलीज में जिनको मैं जानती हूँ महाराष्ट्र में, उन लोगों के यहाँ ढेर सारा कांदा लेते हैं, ढेर सारा पोत आती है पूरी बोरी की बोरी, और दीवान के नीचे, तख्त के नीचे, सोफे के नीचे ऐसे फैला के रखते हैं ज़मीन पे वो लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना कांदा उनके घरों में। तो मेरा तो इतने में ही देखेंगे, ब्लश इतने में हो जाएगा तुम्हारा मैं कहती हूँ अरे इतना भी बहुत दिन चलने वाला है, रोज़ की 1 या 2 गांठ यूज़ करती हूँ मैं केवल तो ये ऐसे रखा मैंने। और अब थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की डस्टिंग की जाती है वो करती हूँ मैं, और उसके बाद लेके झाड़ू शुरू। झाड़ू ज़्यादातर तो मेरी सुबह सुबह लगती है नहाने के पहले। अब चूंकि मुझे शूटिंग करनी थी, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ जब मुझे शूटिंग करनी होती है जिस दिन, उस दिन मैं बाद में करती हूँ आराम से, क्योंकि मैं नहीं करती नहाने के पहले वाला शूटिंग तो इसलिए आज के दिन ऐसे लग रही है। ज़्यादातर मैं सुबह नहा झाड़ू लगा करके नहा के आ गई, और उसके बाद फिर काम होते रहते हैं, क्योंकि मैं डेली बस केवल वही रूटीन दिखाती हूँ, कुकिंग वाला ही मेरा शेड्यूल रहता है, और चूंकि मुझे ये दिखाना था प्याज और लहसुन के लिए, तो इसलिए फिर झाड़ू भी लगाई मैंने, क्योंकि वो कचरा तो फैलता ही ना पूरा, पूरे छिलके उड़ते हैं चारों तरफ, और फिर इकट्ठे एक बार झाड़ू लग गए, क्योंकि कितनी भी झाड़ू लगी रहे लेकिन अगर वो कुछ भी काम करो ना इस तरह के कूट पटांग वाले, तब अगर झाड़ू ना लगे तो मन नहीं भरता है। और अब लगेगा पोछा, और मैं वाइपर में कपड़ा फंसा करके पोछा लगाती हूँ। पहले कपड़े को गीला करके अच्छे से निचोड़ लिया है, और ये रोवेदार कपड़ा है, यानी कि वूलन कपड़ा जैसा होता है, जैसे पतले कंबल आते हैं ब्लैंकेट, उनके टुकड़े होते हैं ये,
और छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं ऐसे टुकड़े मिलते हैं, तो ये बांदा का है और काफ़ी पुराना ये कपड़ा तो मेरे पास है और मैं इसका खास इसी काम के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे जो धूल के रेशे भी होते हैं ना वो भी चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा वूलन कपड़ों में कैसे रोएं निकल चिपक से जाते हैं धूल, वही काम करता है ये कपड़ा। तो इंटेंशनली ये कपड़ा यूज़ किया गया, चाहे तो हम कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, ढेरों पुराने कपड़े निकलते हैं तो, लेकिन ये खास मैं इसमें यूज़ करती हूँ। रगड़ के पोछा लगता है एकदम, फर्श में से बारीक रेशे रोए बाल वाल सब ऐसे चिपक के आ जाते हैं इसमें, और फिर इस कपड़े को बकेट में अच्छे से फंगार करके फिर निचोड़ के फैला देती हूँ, या फिर वॉशिंग मशीन अगर चल रही है उस दिन तो लास्ट वाले पानी में डाल करके इसको साफ़ कर लेते हैं। तो बस इस तरीके से रगड़ रगड़ के घिस और जितनी देर में झाड़ू पोछा हुआ और थोड़ी बहुत क्लीनिंग की गई, साथ में कपड़े भी धुल दिए गए और उनको फैला दिया गया, और तब तक हमारी जो पोहे हमने ढक के रखे थे वो अच्छे से भीग गए हैं, नरम हो गए हैं, और अब उसमें हम लोग लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने लिए कुछ सामान, तो यहाँ पर ये देखो तड़के पैन में करीब 2-3 चम्मच जितना तेल डाला है, मूंगफली का तेल यूज़ किया है हमने यहाँ पर पैन में, और तेल गर्म होते ही हमने मूंगफली के दाने डाले हैं। मूंगफली के दाने तेल में खूब अच्छा सा फ्राई करेंगे, ये भुने हुए दाने रखे हैं मैंने जो कि ख़राब नहीं होते हैं, ये मैंने बताया था एक दिन, और अच्छे से करारे करारे वाले जैसे शेंग दाने फ्राई हो चुके हैं, इनको हम लोग डाल देंगे इस पोहे के मिक्सचर में। अब बचा हुआ जो तेल है इसमें हमने डाला है राई जीरा और हींग, ये मैंने एक साथ मिक्स कर लिया था ताकि एक साथ डाल दूँ, और 2 हरी मिर्ची को एकदम बारीक काटा है वो डाला है, थोड़े से करी पत्ता डालेंगे तेल में, और चुटकी भर हल्दी पाउडर डाला है बिल्कुल ज़रा सा, बहुत ज़्यादा पीले पोहे अच्छे नहीं लगते हैं, कलर हल्का सा आना चाहिए, तो तेल में हल्दी इतनी सी भी डालो तब भी वो पूरे मतलब उस चीज़ में पूरा कलर देती है, और करी पत्ता हरी मिर्ची राई जीरा हींग का तड़का इसके ऊपर डाला और बचा हुआ तेल भी डाल दिया वो जो 2 चम्मच बचा, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने ज़्यादा टेस्टी, इतना लाइट पोहा है ये, देखने में लगेगा कि आप इतना पोहा खा रहे हैं लेकिन वाकई में बहुत ही अच्छा है। एक तो 2-3 चम्मच तेल में पूरा तड़का लगा है, और इसमें जो नारियल पीस के डाला है वो बिल्कुल मुंह में ऐसे आ नहीं रहा है कि ऐसे आपको चबाना पड़ रहा हो, बहुत ही बढ़िया टेस्ट, और एकदम रुई जैसे वो पोहे हैं, नायलॉन पोहे हैं पतले पोहे, उनके ऊपर मैंने डाला है पुदीने वाले सेव और अनार के दाने, और ये हैं हमारे बनाना चिप्स वेफर्स जो मैंने कल बनाए थे, इतने बढ़िया बने हैं ये देखो, ऐसे डालो बिखरा, एक एक चिप्स अलग है, इतना क्रिस्पी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ में खासकर डीप फ्राइंग में जो ऑयल हमने यूज़ किया है वो घर का है और फ्रेश है, फर्स्ट टाइम यूज़ किया हुआ है, ऐसे नहीं है कि एक बार कढ़ाई चढ़ी है और दसियों बार उसमें दिन भर बन रहा है, तो उसका भी फ़र्क पड़ जाता है। वो थोड़े से भी आप बाहर के केले के चिप्स खाओ और आप घर के ये इतने से चिप्स खाओ, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा, लेकिन वही है कि बनाना ही नहीं होता घर में, हमारे यहाँ तो बाहर से आते हैं पैकेट में, एक शॉप है जहाँ ताज़े बनते रहते हैं, लेकिन फिर भी ताज़े बनते रहते हैं लेकिन वो इतने इतने हमारे लिए थोड़ा ना बनते हैं, वो तो दिन भर बनते हैं, वहाँ कढ़ाइयाँ चढ़ी रहती है, अब क्या करो रोज़ नहीं बनाती हूँ मैं तो, फिर मार्केट से ही आते हैं, बच्चों को पसंद है। हमारे यहाँ जब से हम लोग भूसाल में ना तो केले के चिप्स ही नमकीन में ज़्यादा यूज़ करी जाती है और दूसरी नमकीनों की वजह से रेगुलर आते रहते हैं पैकेट, और ये चिप्स तो कमाल हैं, पोहा बहुत ही टेस्टी है, अनारदाना डाल के टेस्ट एकदम डबल हो गया है, पुदीने वाला जो मैंने सेव डाला है ना ये मार्केट का है पैकेट पुदीने का भुजिया सेव, ये बहुत अच्छा लगता है पोहे में, तो एकदम रिफ्रेश फीलिंग लगती है, पुदीने का स्वाद आता है, और ये चिप्स इतने क्रिस्पी हैं मज़ा आ गया। शुभम तो कह रहा है आप घर पर ही बनाया करिए केले के चिप्स, इतने बढ़िया केले के चिप्स, मैंने मन में सोचा हाँ बेटा तुमको तो अच्छा लगेगा ही, माँ से पूछो जो 2 घंटे खड़े होके 2-2 केले के चिप्स काटे हैं और तले हैं निकाले हैं, और फिर जितनी दिक्कत होती है वो हम ही लोग जानते हैं, वो खाने वालों को क्या खा लिया, फुर्सत हो गए, अब ये सब नाश्ता वाश्ता हो गया है,
थोड़ी देर बैठ के टीवी देखूंगी, मैं बच्चों का देखूंगी कि कब किसका क्या चल रहा है। अब शुभम की जैसे क्लास रहती है, फिर शुभी का है, उसकी भी पढ़ाई का रहता है, तो इन लोगों के पास बैठ के फिर लंच टाइम। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं और शाम वाली शूटिंग करूंगी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि लंच वाला शूट नहीं करूंगी। तो बस इसके बाद ये देखो मौसम, दोपहर में पता चला, एक बार जब हम लोग ऐसे खाना ही खाने बैठे थे तो देखा बाहर ऐसे बारिश थी हो रही है, फिर उसके बाद गायब बारिश, फिर शाम के समय का है, तो जब मैंने बकेट रखती हूँ बाहर कि दूध वाले भैया आएंगे, दूध के पैकेट रख कर जाएंगे, उसके बाद शूटिंग शुरू करेंगे। तो ये दो पैकेट आए हैं, कोई पूछता है, अभी भी नए नए व्यूवर्स आते हैं, मैं भगोने में दूध डाल देती हूँ तो आप दूध कितना लेती हैं, कब से तो बता रही हूँ दो पैकेट आते हैं। और अब मैंने कढ़ाई में डाला है घी 2-3 चम्मच जितना, और ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, सूखा नारियल है, बादाम है, किशमिश है, मखाने को टुकड़े करके रखे मैंने, और खजूर डाला है, डेट्स, तो ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं थोड़े थोड़े अंदाज से, और घी में मैं इनको भूनूंगी। और 2 चम्मच जितना मैंने चावल कटोरी में धो के भिगो के रखा था कि मुझे उसका यूज़ करना है, और अच्छे से भीग चुके हैं चावल, तो मैं बनाने वाली हूँ चावल की खीर। ये देखो अच्छे से भीग गया है, वो 2 चम्मच भीग के इतना सारा हो गया है, 2 बड़े चम्मच जितना, क्योंकि अब 4 लोगों के लिए खीर बनानी है तो इतना तो चावल यूज़ करेंगे ही, और घी में डाल करके भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स घी के साथ में भूनने से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और आज मैंने डेट्स भी डाले हैं, क्योंकि ना ये बोलते हैं बच्चों को खाने के लिए, ये लोग खाते नहीं हैं जल्दी, तो फिर बोल रहे थे मेरे हस्बैंड की खीर में डाल दिया करो, खीर तो खाते हैं ये लोग, तो मैंने। और दूध के जो 2 पैकेट थे, जिसमें से 1 पैकेट तो मैंने भगोने में रखा है इंडक्शन में बॉयल करने के लिए, और 1 पैकेट वाला दूध मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और कढ़ाई को कॉर्नर वाली गैस में रख दिया है, अब वो धीमे धीमे पकती रहेगी। और आज जो मैं सब्जी बनाने वाली हूँ वो सरसों का तेल डाला है मैंने लोहे की कढ़ाई में, ये सरसों का तेल गरम होते ही मैंने डाला है, जीरा 1 चम्मच और 4-6 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई डाली हैं, थोड़ी सी हींग डाली है, हींग जीरा लहसुन का तड़का लगने के बाद 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, थोड़ी सी हींग हल्दी भी डाली है 1/4 चम्मच, और ये 4 बड़े साइज के आलू जिन्हें मैंने छोटा छोटा काटा है और ये डाल दिया है। सिर्फ हल्दी डाल करके अभी आलू को हल्का सा पकाएंगे, जिससे कि कोई मसाले नहीं होंगे, आलू ऐसे लाल लाल सा फ्राई होता है ठीक वैसा ही फ्राई करना है। मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि लोहे की कढ़ाई में बनाए ये सब्जी, उसका टेस्ट पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कुछ अलग ही रखता है लोहे की कढ़ाई में बनने वाली सब्जी का स्वाद, खासकर सूखी सब्जियाँ। और दूध बॉयल हुआ है ये 1 लीटर वाला, इसको मैंने ढक दिया है, और घी का बर्तन जो हमारी घीदानी थी वो खाली है, क्योंकि मैंने अभी जब खीर में डाला था तो चाट पोच के डाला था घी उसे केन से, तो अब मैंने निकाला है घी जो मैंने उस दिन बनाया था ना, हल्दी डाला था और नमक डाला था, और ये मैंने खाने के यूज़ के लिए बनाया है, तो उसका कलर देखो और इसकी एकदम दानेदार है। और गेहूं का आटा निकाला है परात में, थोड़ा सा नमक डाला है, पानी डाल करके आटा गूंथ रही हूँ मैं, और मैं बनाऊंगी चपाती यानी फुलके, जिसके लिए एकदम सॉफ्ट और अच्छा सा नरम वाला आटा चाहिए, तो मल मल के, क्योंकि वो आलू धीमे धीमे पक रहे हैं और कढ़ाई में खीर पक रही है धीरे धीरे, तो बस आटा अच्छे से मल के मैंने रखा है, ताकि जैसे ये वाले काम ख़त्म हो कि फिर मैं फटाफट से फुलके सेकूँगी। इतनी ही देर में यहाँ पर ये देखो, जैसे ये कढ़ाई खोल कर देखेंगे और आलू पक चुके हैं आधे आधे से, मैंने इसमें डाला है नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर मैंने पहले ही डाल दी थी, और 1/2 चम्मच करीब हमने लाल मिर्ची डाली है क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली थी, और 1/4 चम्मच जितना हमने गरम मसाला डाला है, ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। अब यहाँ पर डाल रहे हैं कसूरी मेथी, कसूरी मेथी मैं ऐसे ले करके हाथों से 2-3 बार डाल रही हूँ, मतलब आप यूँ समझो कि यदि आप आलू मेथी की सब्जी बना रहे होते हैं तो इतने आलू में कितनी मेथी डालते हैं, हालांकि वो ताज़ी ताज़ी हरी हरी रहती है लेकिन सूखने के बाद वो कितनी हो जाती है, मतलब पूरा टेस्ट आना चाहिए कि आप आलू मेथी की सब्जी खा रहे हैं।
ये सब्जी तब काम आती है जब आपको खूब मन कर रहा है आलू मेथी की सब्जी खाने का और मेथी है नहीं, या फिर जो वर्किंग लेडीज़ हैं अब थके हारे आए हैं, और पालक साफ़ करना तो फिर भी आसान होता है लेकिन मेथी को एक एक पत्ते चुनना बहुत मुश्किल काम लगता है। और ऐसे में यदि आपको रोटी या पराठों के साथ गर्मा गर्म आलू मेथी सब्जी खानी है ना, तो आप कसूरी मेथी डालकर इस तरीके से ये सब्जी बना सकती हैं। मैंने करीब 4 बड़े चम्मच जितना 4 टेबल स्पून के हिसाब से, ऐसे मैंने तो हाथों से डाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 आलू के हिसाब से मैंने 4 चम्मच जितनी मेथी डाली है, यानी मेथी पूरी स्वाद में आनी चाहिए और नज़र में भी आनी चाहिए। ढक कर के पकाया और उसके बाद अब मैंने 2 कटे हुए टमाटर डाले हैं। टमाटर को भी मैंने उतना ही छोटा छोटा काटा है जितने छोटे आलू के पीसेज हैं। लास्ट में ही टमाटर डालना है ताकि अभी भाप ढकेंगे ना तो भाप में वो हल्के से नरम हो जाएंगे, बिल्कुल मैश नहीं करना है, नज़र भी आए, खाने में बहुत अच्छी लगेगी ये सब्जी, क्योंकि टमाटर का खट्टापन आएगा, आलूओं में तीखापन है मसालों का, और कसूरी मेथी का एक बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट है। तो ये सब्जी गर्मा गर्म चाहिए, चाहे दाल चटनी अचार कुछ हो या ना हो, इसके साथ आप इसको नाश्ते में बनाएंगे तो पराठों के साथ बहुत अच्छी लगेगी, और खाने के साथ बनाते हैं तो दाल चावल के साथ या रोटी के साथ खाएंगे, बहुत ही बढ़िया। फिर लास्ट में जब सब्जी अच्छे से भुन जाती है तो तेल तो अलग हो ही जाता है सूखी सब्जियों में, और ये देखो आलू चेक किए, आलू अच्छे से पक गए हैं और ये सब्जी हमारी तैयार हो गई है। मसाले बहुत कम हैं इसमें लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। बस अब गैस बंद कर दी है, बस सूखी सब्जियों में यही रहता है, उन्हें भूनना अच्छे से रहता है, तेल में ही पकती हैं सब्जियां। और अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ, और जैसे रोटी बनी कि सबका खाना होगा। तो रोटियों के लिए तवा लगाया है मैंने, चढ़ाया है, और अब मैं रोटी हमारी चिरी चिरा के किलकारियों की गूंज तो सुनाई दे ही रही होगी, मैंने बताई थी गुड न्यूज़, तो मतलब मुझे तो अब ऐसा लगता है कि आदत ही हो गई है, अब अगर ये ना दिखाई दें तो मुझे सन्नाटा लगने लगता है। याद से सो के उठ के मैं कमरे से बाहर आती हूँ, सबसे पहले मैं हॉल में आके जाली खोलती हूँ इनके लिए। और खीर हमारी पक चुकी है, मैंने आज खीर में डाला है गुड़, पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा था कि गुड़ वाली खीर खाएं, और गैस बंद कर दी थी, जब पूरी खीर पक गई है गैस बंद किया, और ये मैंने डाला है जैगरी पाउडर, तो ये ऑनलाइन जैगरी पाउडर मिलता है, तो पाउडर की मैं जब चाय बनाती हूँ तो बिल्कुल चाय नहीं फटती है, या फिर जब मैं दूध में डालती हूँ हल्दी दूध में तब भी नहीं फटता है, तो मैंने सोचा कि आज ट्राई करते हैं खीर में डालते हैं। तो मैंने अभी अभी इलायची पाउडर डाला है इसमें, और 3 चम्मच करीब वो डाला था गुड़ पाउडर, क्योंकि सोंधी सी जो गुड़ की टेस्ट होती है खीर में, और साथ में जब डेट्स पड़े हों उस खीर का स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग कभी खीर में गुड़ डालते हैं कि नहीं, और यदि डालते हैं खीर में गुड़ तो कब डालते हैं और कौन सा गुड़ यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं खीर तो अक्सर बनाती हूँ, मेरा मन करता है कि गुड़ वाली खीर बनाने की और खाने खिलाने की आदत डालूँ मैं बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को दूध में तो चीनी लेते ही नहीं है, मिश्री रहती है, और चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ, मीठी चीज़ें मैं रेगुलर बनाती हूँ तो खीर बनाती हूँ तो, या फिर केक में यूज़ करती हूँ चीनी, ठीक है बाकी तो नहीं यूज़ करती, तो चलो खीर से भी थोड़ा कम कर लूँ मैं, तो मुझे ज़रूर बताना। और ये बर्तन साफ़ हो गए हैं, किसी ने मुझे पूछा कि कढ़ाई धो के बताएं, जैसे स्कॉच ब्राइट में बर्तन धो लेना बाकी के वैसे ये वाली कढ़ाई। और खाना बनाने के साथ ही साथ मैं क्लीनिंग इसीलिए करती हूँ कि खाना बनाने के बाद मुझे भिड़ना ना पड़े इन बर्तनों से के साथ, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। और जब खाना एकदम रेडी हो जाता है फिर मैं बोल देती हूँ सबसे कि चलो खाना तैयार है, सब लोग गरम गरम आलू मेथी की सूखी सब्जी और रोटी और गुड़ वाली खीर। आज की खीर में टेस्ट 2 चीज़ों की वजह से बिल्कुल अलग है, बहुत ही मुझे तो अच्छा लग रहा है, एकदम देसी जैसी अलग सा, जैसे सोंधी सी खुशबू है, मानो चूल्हे में बनी हो वैसा वाला टेस्ट आ रहा है गुड़ डालने की वजह से। और डेट्स का टेस्ट भी काफ़ी चेंज कर देता है खीर को, मैं कभी डालती नहीं थी खीर में डेट्स, मैं केवल वही बादाम नारियल और मखाने, हो सका तो चिरौंजी किशमिश यही डालती हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम डाला है, और अच्छी बात यही सोच के डाली थी कि बच्चे खा लें, क्योंकि खीर तो ये लोग अपनी पूरी खाते हैं जो मैं इनको देती हूँ बाउल में, तो मुझे लगा इसी बहाने खाएं, वैसे रखे भी रहते हैं, मैं इनसे बोलती हूँ तो ये लोग खाते नहीं हैं बच्चे लोग, इसीलिए इनके लिए मैंने ये जुगाड़ बनाया था कि छोटा छोटा काट करके डाल दो, वैसे वो सॉफ्ट रहता है। तो
बहुत अच्छा है। और सब्जी के बारे में मैं यही कहूँगी, ऐसा लग रहा है कि आलू मेथी की सब्जी खा रहे हैं। 2 मिनट को तो भूल ही जाए कोई भी कि ये कसूरी मेथी डाली गई है। तो ये एक तब के लिए ऑप्शन है कि जब मेथी खाने का दिल करे और मेथी ना हो या वर्किंग रेडी हैं, उनको फटाफट से कुछ बनाना है, टिफ़िन के लिए भी रोज़ चाहिए होता है कुछ ऐसी ड्राई सब्जी, इसके लिए मैंने ये एक आइडिया दिया है। बाकी तो हरी सब्जी की, ताज़ी सब्जी का स्वाद की तो बात ही अलग होती है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। और मेरा मुखवास जिंदाबाद। थैंक यू।